ये गीगा मॉल है आपको नजर आ रही है उसका फुल प्रोफाइल, और उसके सामने ये जो जितनी बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही है, ये जितनी ये जो हाउसिंग सोसाइटी है ये ज़राज हाउसिंग है, 1500 कनाल के ऊपर, बहुत टॉप ऑफ द लाइन बैरिया और डीएचए के मुकाबले की हाउसिंग सोसाइटी है। तो मतलब ये ज़राज हाउसिंग बहुत ही क्लासिक हाउसिंग सोसाइटी है, बड़े क्रेडिबल बिल्डर्स हैं, पिछले 20 साल से ये सोसाइटी है और बहुत अच्छे इसके रेट्स हैं। मेन जीटी रोड के ऊपर इसका फ्रंट है और इसके बिल्कुल सामने इसी मेन रोड के ऊपर, मतलब बिल्कुल ये वाले जिस जो रोड सामने जिस पे अभी मोटरसाइकिल आपको नज़र आ रहा है, ये तो डी एच ए 3 में मैं दूर से खड़ा होकर इसका ये वीडियो शॉट ले रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल इसके सामने आपको पता है जीटी रोड है और जीटी रोड के ऊपर आमने सामने यानी जीटा मॉल इसके बन रही है, और जीटा मॉल का भी प्रोफाइल बिल्कुल इतना ही है, 700 फ्रंट है उसका और 42 कनाल पे बन रही है, बड़ी मैसिव 11 स्टोरी बिल्डिंग बन रही है। ये मेन जीटी रोड आपको नज़र आ रही है जो रवात और सवां के दरमियान में, और ये देखें आपको बिल्कुल जीटी रोड आपको नज़र आ रही है गीगा मॉल के सामने, इसके बिल्कुल सामने जीटा मॉल बन रही है, आमने सामने एक ही जितनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। आज 3 अप्रैल 2021 है, सैटरडे का दिन है, पहली छत इसकी 100% मुकम्मल हो चुकी है, जैसे कि क्योंकि मार्च के एंड तक इसकी छत हो जाएगी, और अभी देखें कि सिर्फ छत ही मुकम्मल नहीं है, साथ ही इन्होंने दूसरी छत की भी तैयारी शुरू कर दी है। ये देख लें आप जो आपको ना जो कॉलम या पिलर का साइज़ आप देखें, ऑलरेडी उसकी शटरिंग और कुछ का उन्होंने भर भी दिया हुआ बल्कि, और बहुत ही मतलब डे नाइट बेसिस के ऊपर इसके ऊपर काम हो रहा है बहुत स्पीड के साथ। अब पता है इसकी जो बेसिकली फाउंडेशन थी उसमें चार फुट का इसका जो था ना फाउंडेशन डली थी, जो उसका सरिया बांधा गया था उसके ऊपर, फिर 11 फुट के ऊपर पहली छत डली है जो मुकम्मल हो चुकी है, और अब ये उसके बाद दूसरी, और साथ साथ अगर आप देखें तो आपको ये एंड के ऊपर ना कंक्रीट वॉल भी नज़र आ रही है, कंक्रीट वॉल भी इसमें भर रहे हैं। तो माशाल्लाह ये ज़राज ग्रुप बिल्डर्स का बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट और बहुत क्रेडिबल प्रोजेक्ट, जिसमें आपकी जो CDA से अप्रूव्ड NOC के साथ, जिसमें आपकी 100% जो है ना गारंटी है इसकी आपकी कैपिटल की, तो बहुत तेज़ी से बन रहा है। 11 मंजिला ये इमारत जिसमें 5 फ्लोर मॉल्स के हैं, 4 फ्लोर जो टॉप वाले हैं वो अपार्टमेंट्स के, और 2 नीचे बेसमेंट फ्लोर हैं, बिल्कुल GT रोड के ऊपर बन रही है, मेन GT रोड के ऊपर DHA और बैरिया के साथ, और बड़ा क्लासी प्रोजेक्ट है हर लिहाज से। इसमें आप ज़रूर इन्वेस्ट करें, शॉप्स लें, अपार्टमेंट्स लें, और ना सिर्फ इसका मुनाफा आप कमाएं बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको रेंट भी मिलेगा। आगे जाके आपने देखना वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि गीगा मॉल के अंदर जो मैं दुकानों की नहीं बात कर रहा हूँ, जो मेन कॉरिडोर के अंदर जो जगह कभी नहीं दिखी, अभी जो मॉल की मैनेजमेंट है जो छोटे छोटे कियोस्क बेच रही है उसका अगर आप रेंट का देखिएगा और वहाँ पर क्या सूरत हाल है, के ऊपर DHA और बैरिया के साथ, और बड़ा क्लासी प्रोजेक्ट है हर लिहाज से। इसमें आप ज़रूर इन्वेस्ट करें, शॉप्स लें, अपार्टमेंट्स लें, और ना सिर्फ इसका मुनाफा आप कमाएं बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा। आगे जाके मैं आपको आज गीगा मॉल में भी लेके चलूँगा, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि जो छोटे छोटे कियोस्क हैं यानी जिसको आम ज़ुबान में खोखे कहते हैं, उनके कितने ज़्यादा रेंट हैं ग्राउंड फ्लोर पर और फर्स्ट फ्लोर पर, मतलब कि कोई भी एक भी नहीं है जिसका एक लाख से 1,20,000-30,000 से रेंट कम है। और मैं ये भी आपको बताऊं, ये बोस्टिंग नहीं है, ये वाला मॉल जो है ना, जो गीगा मॉल है, ये अल्टीमेटली गीगा मॉल को बीट करेगा, इस लिहाज से कि गीगा में अगर आप गए हो तो गीगा का आपको पता है कि उसकी जो बेसिकली पार्किंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है, प्लस उसकी एक साइड से एंट्रेंस बड़ी मुश्किल है। इसकी 3 एंट्रेंसेज हैं, Z1 की एंट्रेंस, Z2 की, और मेन ज़राज की एंट्रेंस, और बहुत ही मतलब टॉप ऑफ द लाइन इसका आर्किटेक्चर है, और मतलब ये बहुत ज़्यादा मॉल चलने वाली है। तो अगर आप मिस करेंगे तो हम हमेशा रिग्रेट करेंगे कि आपने टाइम पे क्यों नहीं इन्वेस्ट किया, अभी इसके रेट इतने ज़्यादा हैं।
ईद तक इंशाल्लाह इसकी दूसरी छत भी डल जाएगी, और सितंबर तक, जैसे पहले भी मैं कई दफ़ा वीडियोस में बता चुका हूँ कि इसकी तीसरी और चौथी छत भी डल जाएगी। गीगा मॉल, और ये मैं एस्केलेटर से ग्राउंड फ्लोर से, मतलब फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे उतर रहे हैं। ये सामने आप देख रहे हैं मैक्स एंड मैक्स के नाम की मोबाइल एक्सेसरीज की शॉप है। टोटल इसका साइज है 72 स्क्वायर फीट की कियास का रेंट है 1,75,000 यानी 1,75,000 पर मंथ, सिर्फ 72 स्क्वायर फीट। तो ये जुनेद जमशेद की परफ्यूम का जो कियास्क है, इसी तरह इसका भी रेंट मैंने इनसे तो नहीं पूछा, लेकिन इनका भी इसके करीब करीब ही होगा। ये गीगा मॉल है और इसका फर्स्ट फ्लोर है। ये बिल्कुल डाइनर और जनरेशन के सामने ये देखें एक कियास्क है, अभी बिल्कुल खुला है, मैंने अभी इनसे पूछा, और इसका 1,20,000 किराया है। अब इसका सिर्फ साइज़ देख लें, बिल्कुल कॉरिडोर के अंदर, और ये इसका रेंट है, और ये जनरेशन। फर्स्ट फ्लोर पे ये सामने देखें आइस फैक्ट्री, साथ पोटैटो फैक्ट्री, ये भी कियास्क हैं। और ये सामने आपको नज़र आ रही है, ये वॉचेस वाले हैं, और ये सामने जूते वाले, और ये फिर भी डेकोरेशन वाले। इनमें से किसी का भी किराया मतलब 1,30,000 से कम नहीं है, ये क्योंकि ये थोड़ा सा इधर है, वो जो जनरेशन वाला था वो थोड़ा पीछे था। आप इमेजिन करें अगर कियास्क के ये कराएं, और ये फोर्थ फर्स्ट फ्लोर फोर्थ फ्लोर है, इस लिहाज से नीचे लोअर ग्राउंड है, ग्राउंड में मेज़नाइन, और ये फिर फर्स्ट है, इसके ऊपर एक ही फ्लोर आ जाता है, जो सेकंड फ्लोर है वो इसका फूड कोर्ट है। तो ये इसके किराए हैं, आप सोचें जो 187 स्क्वायर फीट की शॉप है उसका क्या किराया होगा, जो इससे बेहतर मॉल भी है। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि 187 स्क्वायर फीट की मेरे पास शॉप्स हैं, कुछ सिर्फ किसी से भी आपको नहीं मिलेंगी मेरे अलावा वो शॉप्स जो है ना 102, क्योंकि सारी अभी बड़ी शॉप्स रह गई हैं, छोटी शॉप सिर्फ मेरे पास हैं, तो वो आपको मिल सकती है। आप मुझे कॉल करें, ये जो पहले भी आपने नंबर देखा है और अभी आपको स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस पर कॉल करें। 187 स्क्वायर फीट की शॉप है, फर्स्ट फ्लोर पर आपको अवेलेबल हैं, जिसमें 12 फुट 4 इंच उसका फ्रंट है और 15 फुट 2 इंच जो है ना उसकी मतलब उसकी लंबाई है। तो कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ उसका रेंट जो है ना, जब ये मुकम्मल हो सकी तो 2,00,000 रुपया इस शॉप का रेंट होगा। तो मुझे कॉल करें और इसकी बुकिंग कर लें आप, तो सो ओनली द लकी वंस विल यू नो अल्टीमेटली ओन द प्रॉपर्टी इन जीटा मॉल एंड अपार्टमेंट्स। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कि मैंने जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इसके, ब्रिगेडियर लियाकत रशीद, उनका बड़ा डिटेल इंटरव्यू डाला हुआ, उसके जाके आप क्लिंक से लिंक करें, उनका इंटरव्यू आप देखें। फिर जो इसके डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग हैं सैयद करामत जाफरी, उन सब का बड़ा डिटेल इंटरव्यू है। एक और आपको वीडियो नज़र आएगा जिसमें प्रोजेक्ट ब्रीफ है, जिसमें कॉम्प्रीहेंसिव किस्म की उसकी प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग दी गई है, वो वाला भी आप देख सकते हैं। तीनों लिंक मैंने इसमें दिए हुए हैं।